को जैसलमेर ट्रिप विन करने पर मेरी तरफ से दिल से हार्दिक बधाइयां। आप लोग पता है सिर्फ एडब्ल्यूपीएल के फाइटर नहीं हूं, आने वाले दिनों के डायरेक्ट सेलिंग का सुपरस्टार हूं। मैं हमेशा कहता हूं ये टीम हिंदुस्तान की नहीं विश्व की नंबर वन टीम है, नंबर वन टीम है। क्योंकि ये टीम का जो सफर शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था बाबा विश्वनाथ की धरती से। अब जब बाबा विश्वनाथ की धरती देश को प्रधानमंत्री दे सकती है तो पूरी दुनिया को एडब्ल्यूपीएल भी दे सकती है। नहीं पता था सफर इतना खूबसूरत होगा, इतने अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे। इस टीम ने हमेशा रिकॉर्ड बनाए हैं, खुद ही रिकॉर्ड तोड़ती है, खुद ही बनाती है। और इसी वजह से हमने विचार आया कि इस बार इस टीम के साथ हम भी थोड़ा वक्त गुजारेंगे, एडब्ल्यूपीएल नाइट मनाएंगे। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि लाखों लोगों के लिए ये ट्रिप मिलते हैं, पर कुछ ही लोग उसे कर अचीव कर विनर बनकर जैसलमेर आए हैं और आप उन कुछ में से एक हैं। तो इसका मतलब कोई तो खास बात आपके अंदर है। बात ट्रिप जीतने की नहीं है, बात है जीतने की। वो चाहे ट्रिप हो, चाहे ब्रॉन्ज रैंक हो, चाहे सिल्वर रैंक हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनियम हो, जीत 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 ही होती है। बचपन में याद है क्रिकेट मैच खेलते थे 5 रुपए का, याद है 5 रुपए का मैच खेलते थे, वो 5 रुपए का मैच जीत के लगते थे पूरी दुनिया जीत ली हमने, ऐसा होता था ना। तो वो जीत का जो नशा है, जीत की जो उमंग है, जो बॉडी के अंदर एकदम हमारे एक खून में एक जो गर्मी पैदा हो जाती है, वो मजा सिर्फ जीत के आता है। तो दोस्तों आप लोग विजेता हैं और विजेताओं के बीच में आना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सबकी एनर्जी मुझ में आएगी तो मुझ में भी और ज्यादा जीतने की जिद प्रबल हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भोजपुरी सुपरस्टार यहाँ पर रितेश पांडे जी आए हुए हैं, उनकी टीम, आपको एंटरटेन करने के लिए। मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है मेरे दोस्त। दौलत दुनिया कमाती है, शोहरत दुनिया कमाती है, पर अगर जिंदगी कोई कमाता है तो एक डायरेक्ट सेलर कमाता है। अगर जिंदगी कोई जीता है तो एक डायरेक्ट सेलर जीता है। वो जिंदगी जो हम लोग जीते हैं वो बड़े बड़े बिरले बड़े बड़े रईस नहीं जी पाते। मैं हमेशा कहता हूं लोगों के पास दौलत है, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, पर खर्च करने का टाइम नहीं है। लोगों के पास स्टाइल है, डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है कि नहीं? ये मान सम्मान पहचान प्यार कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलता है। यही इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास बना देती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां जिसको कोई नहीं पूछता उसके पीछे हजारों लोगों का काफिला होता है, हजारों लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमें कौन माला पहनाता था? या टोपाज बनने के बाद भी 50 लोग आपको माला पहनाने आते हैं। ये रिगार्ड, ये रिस्पेक्ट दौलत से हासिल नहीं होता, सिर्फ इस इंडस्ट्री में हासिल होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं ये कंप्लीट लाइफ है यार, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। हम लोग ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते, मैं रियल बता रहा हूं, पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते। पैसे कमाने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम है, लेकिन इस काम को करके जो मजा आता है, अपने जैसे लोगों को कामयाब होते देख के जो मजा आता है, जो लोगों की भीड़ में जाके जो आनंद आता है, वो किसकी कीमत खरबों रुपए भी नहीं है, खरबों से भी परे है वो। तो यहां सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, आनंद के लिए काम करना है, जीने की जिंदगी, भरपूर जिंदगी जीने के लिए काम करना है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो बाय पार्ट है। इंसान को काम में मजा आना चाहिए, उसे काम में खुशी महसूस होनी चाहिए, वो यहां पर होती है, होती है नहीं होती।
होती है नहीं होती। तो ये जो जैसलमेर ट्रिप है ये आपकी आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। और याद रखना, जीतने वाला हर मैच जीत सकता है, लेकिन हर मैच को उसी शिद्दत और उसी जुनून से खेलना पड़ता है। कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई बॉक्सर हो, चाहे कोई रेसलर हो, एक मैच जीतकर कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, एक मैच जीतकर कभी कामयाब नहीं हो सकता। बार बार मैच खेलने होंगे और बार बार मैच जीतने होंगे। अभी जैसलमेर का मैच जीत के आए हो, अगला कोटलिया का जीत के आ जाना। जब तक जीतते रहोगे, हर बार जीतते रहोगे, तब तक कामयाबी कदम चूमती रहेगी। बात यह नहीं है कि आप क्या करके आए हो, कितने पेयर करके आए हो, कितना बिजनेस करके आए हो, बात यह है आप जीत कर आए हो। और जीत 5 रुपए की भी उतनी और 50 लाख की भी उतनी और 50 करोड़ की भी उतनी। जीत कर खुशियां बराबर मिलती हैं। तो तैयार हैं आगे जीतने के लिए? अच्छा, मुझे लाइफ में एक बात कभी समझ नहीं आई कि यार इस बिजनेस में लोग आते हैं, जीत भी जाते हैं, एक दो टारगेट विनर भी हो जाते हैं और फिर भी छोड़ जाते हैं, मने नहीं रहते, टिके नहीं रहते। कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं और सोचता हूं यार ऐसा क्यों करते हैं, ये बिजनेस तो छोड़ने वाला है ही नहीं, ये तो पकड़ने वाला, चिपक के रहने वाला है। या तो पता नहीं कब कामयाबी आ जाए, कब हमें दो महिपाल मिल जाए, कब दो अमित दुबे मिल जाए, कब दो शिव कुमार मिल जाए। क्या पता हमारी किस्मत बदकिस्मती है, जिंदगी में हमारी किस्मत खराब है, क्या पता कब दो किस्मत वाले मिल जाए और हमारी किस्मत बदल दे। तो यहां भागना और छोड़ना तो बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग एक समय पर आकर अपने आप को थक जाते, हार जाते। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में आनंद है, खुशियां हैं, लेकिन इस बिजनेस की गहराई को लोग पहचान नहीं पाते। ये बिजनेस उन्हें क्यों करना है वो जान नहीं पाते। ये बिजनेस क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझ नहीं पाते। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बता के जाऊंगा। यहां पर जितने भी आप लोग जीत के आए हो, क्या पिछले 3 महीने में एक भी दिन नेगेटिव हुए आप? सच बताओ, हुए क्या? अगर नेगेटिव होते तो यहां आते ही नहीं, जीत ही नहीं सकते थे। 24/7 आपने पॉजिटिविटी से काम किया है पूरे 3 महीने, आई एम राइट? और किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप पूजा करते हो भगवान की, तो नेगेटिव माइंडसेट से करते हो या पॉजिटिव माइंडसेट से? पॉजिटिव माइंडसेट से कि भगवान है, नेगेटिव माइंडसेट से तो नहीं करते, क्योंकि अगर नेगेटिव माइंडसेट होता तो पूजा होती नहीं, पूजा में बैठने का मन करता ही नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट, वर्क इज वर्शिप। क्यों कहा है भगवान ने कर्म ही पूजा है? क्योंकि भगवान इंसान को इस जीवन में जो भी काम करने का मौका देता है वो आशीर्वाद स्वरूप देता है। इसलिए कहता है बेटा, मैंने तुझे सिंगर बनने का, डांसर बनने का, बॉक्सर बनने का, क्रिकेटर बनने का, आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, नेटवर्कर बनने का मौका मैंने तुझे दिया है, अब इसको पूजा की तरह करना। वर्क इज वर्शिप, इसलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी आपको यहां तक लेके आई है, और ये पॉजिटिविटी बरकरार रह जाए तो आपको ब्रांड एम्बेसडर तक भी लेके जाएगी। ये पॉजिटिविटी आपको जैसलमेर लेके आ सकती है, तो ये पॉजिटिविटी आपको विद फैमिली स्विट्जरलैंड लेके भी जा सकती है। बात ये नहीं है आपने 10 की टीम बनाई, 5 की बनाई, 8 की बनाई, 20 की बनाई, 25 की बनाई, बनाई तो सही। जो नहीं बना पाते वो 2 की टीम नहीं बना पाते। अरे तुम तो 15, 20, 50 की टीम बना के आए हो। जब 50 लोग तुम पे भरोसा कर सकते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी से सुबह घर से निकलो, एक दिन 5 लाख लोग भी तुम पे भरोसा करेंगे। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये सक्सेस, ये जीत, ये जैसलमेर ट्रिप जो आपने विन किया है, ये सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी ने विन किया है।
ये पॉजिटिविटी खत्म मत होने देना मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी ये खत्म हो गई उस दिन वर्क इज वर्शिप नहीं रहेगा, कर्म ही पूजा नहीं रहेगा, फिर जरूर भटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे और कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव दुनिया के बीच में चले जाओगे। क्या जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो? जाना चाहते हो या रहना चाहते हो? यही रहना चाहते हो? तो सिर्फ घर से निकलना ये सोच के नहीं कि क्या होगा, ये सोच के जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं परमात्मा के हाजिर नाजिर मानकर अपने कर्म को पूजा की तरह कर रहा हूं, मेरे साथ जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी को लेके पॉजिटिव हो, जिंदगी को लेके मतलब जीने को लेके पॉजिटिव है। दुनिया का हर आदमी जब रात को सोता है ना तो सुबह उठकर, सुबह उठने की सोचकर सोता है, राइट? हाँ है ना? ऐसा कौन बंदा है बैठा है यहां पर, कौन व्यक्ति बैठा है जिसे जीने की आस नहीं है? हर आदमी जीने की आस है कि हाँ मैं जीऊंगा, हाँ है ना? जिएगा या नहीं जिएगा कोई गारंटी नहीं है, पर एक आस से हर आदमी, आज तक कोई इतना भी नेगेटिव हुआ है मैं तो कल ही मर जाऊंगा, मैं तो कल सुबह ही खत्म, ऐसा सोचा है किसी ने आज तक? जिस तरह आपको ये जिंदगी जीने की आशा आपको 24 घंटे एक्टिव रखती है कि मैं जीऊंगा, इसी तरह ये करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की आशा अगर आप यहां से सोच लो कि मैं बनूंगा तो एक दिन जरूर बनोगे, एक दिन जरूर बनोगे। अब ये आपकी आशा, ये डिजायर जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये डिजायर 100% कंप्लीट होगा। बस एक बात समझ के जाना मेरे दोस्त, आज जहां पहुंचे हो उसके पीछे भी प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है। कौन है? प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है, और कल भी जहां पहुंचोगे प्लेटफॉर्म ही होगा और अपलाइन ही होगा। हमेशा अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को और प्लेटफॉर्म को दिल से रिगार्ड करो, दिल से रिस्पेक्ट करो। आप एक पेड़ हो, एक पेड़, पेड़ समझते हो, पेड़ वृक्ष, जो आपकी टीम है वो पत्ते हैं। क्या है? वो पत्ते हैं। तो आप देखते हो जैसे नया कोई ज्वाइन होता है, बड़ा बढ़िया आएगा, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बनेगा, सिल्वर विल्वर बनेगा, गोल्ड वोल्ड बनेगा, फिर निकल जाएगा, हाँ है ना? जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, पहले पूरा हरा होता है, फिर पतझड़ आती है, फिर सूख जाता है, कुछ पत्ते गिर जाते हैं और कुछ पत्ते पतझड़ में भी रह जाते हैं। इसी तरह इस बिजनेस में पतझड़े आती रहेंगे, लेकिन पेड़ कभी पत्तों पे भरोसा नहीं करता, अपनी जड़ों पे भरोसा करता है। इसी तरह एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी में उसकी जड़, उसका अपलाइन और उसका प्लेटफॉर्म है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कुछ पतझड़ में झड़ जाएंगे लेकिन कुछ पतझड़ से भी निकलकर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पतझड़ खत्म होगी और फिर हरे हरे पत्ते आएंगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर प्लेटफॉर्म एंड योर अपलाइन। अपलाइन, अपलाइन ही हमारी लाइफलाइन है। अगर अपलाइन साथ है तो हर दिन किसी भी कोयले को तराश कर हीरा बना सकता है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। और आखिरी में एक जाते जाते छोटी सी बात, किसी भी जगह जब आप काम करते हो, कोई प्लेटफॉर्म आपने जीवन में चुना है तो उसको महत्वता दो, उसको वैल्यू दो। मजाक मत समझो, अरे कंपनी मिल गई, ये प्लेटफॉर्म मिल गया, अरे डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, प्रोडक्ट बेचने का, आयुर्वेद बेचने का मौका मिल गया, ऐसे मत सोचो। इसे कैरियर अपॉर्चुनिटी समझो, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसको इंपॉर्टेंस दो। लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको बनाओ, लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसको बनाओ, क्योंकि इसे कहते हैं पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। हम सब में, दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, सब में हिम्मत है, सब में कर्मशील है, सब में कर्म करने की शक्तियां हैं, सब लोग जुझारू हैं, सब लोग जुनूनी हैं, सब लोग मेहनती हैं, लेकिन रिवार्ड सबका अलग अलग है। रिवार्ड सबका अलग अलग है। क्या मजदूर मेहनत नहीं करता?
हाँ, क्या चौकीदार मेहनत नहीं करता, क्या होटल का वेटर मेहनत नहीं करता, लेकिन क्या उसे करोड़ों का अरबों का रिवार्ड मिलता है? इसका मतलब दुनिया में हर आदमी कर्मशील है, हर आदमी मेहनती है, फर्क क्या है? उसकी मेहनत हो कहां रही है, वो मेहनत कर कहां रहा है? हम लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और इसको मजाक बना के एक दिन निकल भी जाते हैं। अरे आप भूल जाते हो कि आप कहां पर आए, आपको भगवान ने कितने बड़े आशीर्वाद से नवाजा, आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपको कितनी बड़ी सोच दी, आपको कितना बड़ा रास्ता दिया, हम भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, हमारी मेहनत किसी काम की नहीं, हमारी हिम्मत किसी काम की नहीं, हमारा जज्बा किसी काम का नहीं। अगर काम का है तो किस प्लेटफॉर्म पे हमारी मेहनत लग रही है, कहाँ हमारा जज्बा लग रहा है, कहाँ हमारा जुनून लग रहा है, कहाँ हमारी हिम्मत लग रही है? समझो इंसान, डांस इंडिया डांस देखते हो? डांस इंडिया डांस देखते हो? देखा होगा, लोग आते हैं वहां डांस करने। वो बच्चा एक दिन डांस गलियों में करता था, गलियों में करता था जब तक उसे डांस इंडिया डांस में आने का मौका नहीं मिला। वैसा ही डांस करता था जैसा डांस इंडिया डांस में करा है। वहां उसे लोग 5 रुपए नहीं देते थे और डांस इंडिया डांस में आते ही उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई। बच्चा बदला? बच्चा बदला? नो। बच्चे की मेहनत बदली? नो। बच्चे का टैलेंट बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। कीमत आपकी मेहनत की नहीं, कीमत किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत हो रही है उसकी। आपको मालूम है कभी युवराज ने, महेंद्र सिंह धोनी ने भी गलियों में मैच खेले थे 11 रुपए के मैच। क्रिकेट ही खेला था और 11 रुपए का मैच खेला था धोनी ने भी, कभी पूछ लेना जाकर। वही धोनी, वही क्रिकेट, वही चौके छक्के, गलियों में खेलता था 11 रुपए मिलते थे, इंडियन टीम में खेलने लगा 1100 करोड़ का हो गया। Yes. क्या बदला? प्लेटफॉर्म। क्या बदला? क्या बदला? ना शकल बदली, ना सूरत बदली, क्या बदला? आपने क्या बदला? प्लेटफॉर्म। आपने भी क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। जहां दुनिया आपको खोटा सिक्का समझती थी, अब वही दुनिया आने वाले समय में आपको सलाम करेगी, क्योंकि क्या बदल लिया आपने? चेंज योर प्लेटफॉर्म। आपने प्लेटफॉर्म बदला। तो प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ना कि हमारी हिम्मत, ना कि हमारी मेहनत, ना कि हमारा जज्बा, राइट? तो प्लेटफॉर्म की जब इंपोर्टेंस आ जाती है तो इंसान ना हारता है, ना रुकता है, ना थकता है, ना नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी अपनी लाइफ में प्लेटफॉर्म को बना लेता है। अब हम लोग थे, 3-3 बार फेल हुए, 4-4 बार फेल हुए, लेकिन हमने बिजनेस कभी नहीं छोड़ा, हम इस बिजनेस से कभी दूर नहीं गए, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि कोई हमें बहुत बड़ी जगह बैठा देगा, बहुत ओहदा दे देगा, पद दे देगा। हम हारते भी रहे, गिरते भी रहे, उठते भी रहे, थकते भी रहे, जीतते भी रहे, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को अपने यहां बैठा चुके हैं, बैठा चुके हैं कि अगर हमें कोई बड़ा बना सकता है तो ये प्लेटफॉर्म ही बड़ा बना सकता है। तो टिकने के लिए तैयार हो? ये AWPL नाइट बनाओगे, फिर जाओगे, फिर नाकामयाब लोगों की भीड़ में गुम हो जाओगे, ऐसा करोगे? वैसे ये टीम ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, ये टीम नहीं, एटम बम है, एटम। कौटिल्य क्रूज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक जैसलमेर का मैच था, क्रूज का मैच है, ये मैच है यार, हर दिन मैच खेलना पड़ता है, हर दिन उतनी हिम्मत, उतनी शिद्दत से खेलना पड़ता है। एक मैच खेल के घर बैठने से कभी भी रिवार्ड नहीं मिलता। और आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज आपने एक आम आदमी की सोच को हर आदमी के दिमाग में डाल दिया है, हर हिंदुस्तानी के दिमाग में डाल दिया। आज से 8 साल पहले जब मैं आया था, यही सोच के आया था कि एक कंपनी को ब्रांड बनाएंगे, घर घर में ले जाएंगे, सबके दिमाग में डालेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान देंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नया सम्मान दिलाएंगे। वो काम आप लोगों की प्यार से, मोहब्बत से और मेहनत से आज संभव हो चुका है। आज आपने AWPL को कंपनी नहीं, ब्रांड बना दिया, ब्रांड।
ब्रांड बना दिया है। हर आदमी सोच रहा है, हर कंपनी मालिक सोच रहा है, हर डायरेक्ट सेलर सोच रहा है, यार ये काम कैसे करते हैं, ये लोग इतना स्पीड से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तीन तीन चार चार हजार लोग तो इनके विनर बन के चले जाते हैं, तीन तीन चार चार हजार लोग।